नमस्कार। हम यादृच्छिक प्रक्रियाओं के विषय में चर्चा कर रहे थे। हमने यह देखा था कि यादृच्छिक प्रक्रियाओं को हम एक प्रकार से यादृच्छिक संकेतों के रूप में देख सकते हैं। वह समय संतत हो सकते हैं, समय असंतत भी हो सकते हैं। उसी क्रम में अब क्योंकि हम यादृच्छिक प्रक्रियाओं को संकेतों के रूप में देख सकते हैं, तो हम निश्चित रूप से इनके वर्णपट स्पेक्ट्रम की चर्चा करना चाहेंगे। हम यह देखना चाहेंगे कि यदि हम संकेत को एक विद्युत संकेत के रूप में देखें, हम इसे किसी परिपथ से गुजारते हैं अथवा इन्हें किन्हीं रैखिकीय समय अचल प्रणालियों, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स, यदि आपने संकेतों एवं प्रणालियों अथवा सिग्नल सिस्टम्स में यह चर्चा सुनी है, तो हम यह मानकर चल रहे हैं कि आपने सिग्नल सिस्टम, संकेत एवं प्रणाली, आप उसे जो भी कहते हैं, वह कोर्स कर लिया है। इसलिए यदि आपने सिग्नल सिस्टम्स का अथवा संकेत एवं प्रणालियों का कोर्स नहीं किया है, तो मूल रूप से प्रायिकताओं एवं यादृच्छिक प्रक्रियाओं की चर्चा आपके लिए समाप्त हो गई है। हमारे पास दो व्याख्यान शेष हैं जहां पर हम मूल रूप से यादृच्छिक प्रक्रियाओं को संकेतों के संदर्भ में ही देखेंगे। तो यदि आपने संकेतों प्रणालियों का कोर्स नहीं किया है, यदि आप संचार अभियांत्रिकी के लिए इस कोर्स को नहीं कर रहे हैं, तो यह आपके लिए रुकने का अच्छा समय है। जो लोग संचार अभियांत्रिकी के परिवेश में इस कोर्स को देख रहे हैं, जिन्होंने संचार अभियांत्रिकी के रूप में, संकेतों के रूप में यादृच्छिक प्रक्रियाओं को समझना है, आने वाले दो व्याख्यानों में हम उसकी चर्चा करेंगे। अब जैसा कि मैंने कहा, हमारे पास एक संकेत है, तो हम उसके वर्णपट अथवा स्पेक्ट्रम को जानना चाहेंगे। हम यह देखना चाहेंगे कि वह जब लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स अथवा रैखिकीय समय अचल प्रणालियों से गुजरता है, तब उसका व्यवहार किस प्रकार का होता है। तो यह सब जानने के लिए यदि हम सिग्नल सिस्टम्स के अपने कोर्स पर वापस जाएं, तो हम यह देखते हैं कि हमने दो बातों की चर्चा की थी। एक कॉन्वोल्यूशन अथवा कुंडलीकरण जो कि रैखिकीय समय अचल LTI प्रणालियों सिस्टम्स के संदर्भ में एक संकेत का एक संकेत प्रवाहित करने पर जनित दूसरा एक यह है, दूसरा फूरिये परिवर्तन, कुंडलीकरण, फूरिये परिवर्तन, यह दो चर्चाएं। तो हम पहले यह देखेंगे कि यदि हम इस XT को एक LTI प्रणाली से प्रवाहित करते हैं जिसका आवेग प्रतिक्रिया फलन इंपल्स रिस्पॉन्स फंक्शन HT है, तब हम जानते हैं कि YT जो संकेत अथवा जो यादृच्छिक प्रक्रिया हमें प्राप्त होगी, वह होगी XT कुंडलीकरण HT, यह अथवा HT कुंडलीकरण XT, आप इसे किसी भी रूप में देख सकते हैं, बराबर है अनंत से अनंत XT घटा टाओ H टाओ, यह। अब निश्चित रूप से हम इसके सांख्यिकीय गुणधर्म जानना चाहेंगे, तो पहला सांख्यिकीय गुणधर्म इसका मध्यमान
यदि प्रत्याशित मान xt mxt है, हमने यह नहीं कहा कि यह स्थावर है अथवा कुछ अन्य है, यदि xt का प्रत्याशित मान यह है तब कुंडलीकरण एच टी, अर्थात MYT बराबर है MXT कुंडलीकरण एच टी। यह इसी प्रकार यदि हम YT का स्व सहसंबंध फलन ज्ञात करना चाहें तब प्रत्याशित मान YT1 YT2 कॉन्जुगेट बराबर है प्रत्याशित मान अनंत HU XT1-U DU अनंत से अनंत HV X कॉन्जुगेट T2-V DV। यह राक्षस। अब इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, प्रत्याशित मान अनंत से अनंत अनंत से अनंत HU XT1-U XT2-U HV कॉन्जुगेट DU DV। यह बराबर है HU T1-U X कॉन्जुगेट T2-V HV। यह बराबर है HU अब एक विशिष्ट स्थिति में जहां X व्यापक रूप से XT व्यापक रूप से स्थावर है एवं T2 बराबर है T1 घटा टाओ, हम लिख सकते हैं RYY टाओ बराबर है XX टाओ HV DU DV। इसे हम सरलीकृत करके लिख सकते हैं RYY टाओ बराबर है HV कुंडलीकरण H-V कुंडलीकरण XX। यह हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं एवं इसी क्रम में RXY टाओ को हम लिख सकते हैं RXX टाओ कुंडलीकरण माइनस टाओ एवं RYX टाओ को लिख सकते हैं XX टाओ कुंडलीकरण H टाओ। यह
मूल रूप से यादृच्छिक प्रक्रियाओं का संकेतों के रूप में रैखिकीय समय अचल प्रणालियों में से प्रवाहित होने पर प्राप्त होने वाले संकेतों का अथवा यादृच्छिक प्रक्रियाओं के सांख्यिकीय गुणधर्म, मूल सांख्यिकीय गुणधर्म से हम अन्य सांख्यिकीय गुणधर्मों की चर्चा अभी करेंगे। अब हम इसका अन्य सांख्यिकीय गुणधर्म अथवा संकेतों के रूप में इसके विश्लेषण का जो दूसरा भाग है वह है इसका वर्णपट जानना, वर्णपट अथवा स्पेक्ट्रम ज्ञात करना, अथवा इसमें कौन सी आवृत्ति का साइन किस अनुपात में है वह ज्ञात करना। अब एक निर्धारणात्मक संकेत XT का फूरियर परिवर्तन हमें यह जानकारी देता है। हम जानते हैं कि एक निर्धारणात्मक संकेत XT का फूरियर परिवर्तन हम इस प्रकार लिख सकते हैं, X टिल्डा F बराबर है अनंत से अनंत XT dt। यह सरल है, हम यह सिग्नल सिस्टम संकेतन प्रणालियों में कई बार कर चुके हैं, किंतु यहां पर एक यादृच्छिक प्रक्रिया के लिए यह सरल नहीं है, क्योंकि XT ओमेगा i ओमेगा 1 के लिए अलग होगा, ओमेगा 2 के लिए अलग होगा, ओमेगा i के लिए अलग होगा, यह निर्धारणात्मक रूप है। इसी प्रकार XF का निर्धारणात्मक रूप, क्योंकि हमें XI XT का निर्धारणात्मक रूप ज्ञात नहीं है, इसलिए हम XF का निर्धारणात्मक रूप ज्ञात नहीं कर सकते। अब हम यह चाहते हैं कि हम इस संकेत को एक निर्धारणात्मक रूप में देख सकें, इसीलिए हम जो निर्धारणात्मक ज्ञान हमारे पास है अथवा जो कुछ भी हम निर्धारणात्मक रूप से जानते हैं हम केवल उसी का प्रयोग करेंगे, और वह है हमारा स्वसहसंबंध फलन। स्वसहसंबंध फलन को हम इस प्रकार लिखते हैं। अब स्वसहसंबंध फलन एक निर्धारणात्मक फलन है, यह हम जानते हैं, अर्थात हम स्वसहसंबंध फलन का फूरियर परिवर्तन परिभाषित कर सकते हैं। अब स्वसहसंबंध फलन का अंतराल टाओ के ऊपर फूरियर परिवर्तन शक्ति वर्ण घनत्व कहलाता है, शक्ति वर्ण घनत्व अथवा पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी PSD। यह पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी अथवा PSD कहलाता है, एवं XX TF, ये ध्यान रखिए क्योंकि यह थोड़ी देर में अपने आप साफ हो जाएगा, टाओ हम केवल टाओ पर ही समाकलन कर रहे हैं, यह अभी भी समय का फलन हो सकता है, स्थावर प्रक्रियाओं के लिए XX F बराबर है यह। अब यह बताता है कि उस यादृच्छिक प्रक्रिया SXXF की चर्चा अगर मैं करूं, यह बताता है उस प्रक्रिया की शक्ति वर्णपट पर किस तरह से बंटित है, एवं PX बराबर है SXXF, यह उसका वर्णपटीय व्यवहार दर्शाता है। यह SXXF सदैव एक वास्तविक
ऋणेतर फलन, यह सदैव एक वास्तविक ऋणेतर फलन होता है। अब यदि yt बराबर है ht कुंडलीकरण xt, तब ryy tau बराबर है h tau कुंडलीकरण rxx tau। यह हमने अभी दर्शाया था, इसी को आगे बढ़ाते हुए दोनों ओर tau पर फूरिये परिवर्तन लेते हुए, हम पूरी चर्चा व्यापक रूप से स्थावर प्रक्रियाओं के लिए ही कर रहे हैं, दोनों ओर फूरिये परिवर्तन करते हुए हम यह देख सकते हैं एस वाई वाई एफ बराबर है एच एफ एच कॉन्जुगेट एफ गुणा एस एक्स एक्स एफ, जो कि बराबर है एच एफ वर्ग। यह जिस प्रकार हमने एक यादृच्छिक प्रक्रिया के लिए स्व सहसंबंध फलन परिभाषित किया था, उसी प्रकार हम दो यादृच्छिक प्रक्रियाओं के लिए संकर सहसंबंध फलन अथवा क्रॉस कोरिलेशन फंक्शन परिभाषित कर सकते हैं, संकर सहसंबंध फलन अथवा क्रॉस कोरिलेशन फंक्शन परिभाषित कर सकते हैं। यह आर एक्स वाई टी एक टी दो इस प्रकार परिभाषित होता है, प्रत्याशित मान x t1 y t2 कॉन्जुगेट। यह निश्चित रूप से आर एक्स वाई टी टाओ को हम इस रूप में लिख सकते हैं, एक टी जमा टाओ बटे दो वाई कॉन्जुगेट टी घटा टाओ बटे दो। यह इनका संकर सहसंबंध फलन है। इसी प्रकार संकर वर्णपट घनत्व क्रॉस स्पेक्ट्रल डेंसिटी बराबर है एस एक्स वाई एफ बराबर है यह संकर वर्णपथ घनत्व कहलाता है। यह देखना सरल है कि आर एक्स वाई टी टाओ बराबर है आर वाई एक्स टी माइनस टाओ कॉन्जुगेट, एवं फलस्वरूप एस एक्स वाई टी एफ बराबर है एस वाई एक्स यह। अब दो यादृच्छिक प्रक्रियाएं संयुक्त रूप से व्यापक रूप में स्थावर कहलाती हैं।
जब दोनों अपने आप में, दोनों प्रक्रियाएं स्वत्व अपने आप में व्यापक रूप से स्थावर हों, एवं टीटाओ केवल टाओ, इसी प्रकार एक्स टी एवं वाई टी स्वतंत्र कहलाती हैं यदि सभी टी एक एवं टी दो के लिए एक्स टी एक एवं वाई टी दो स्वतंत्र यादृच्छिक चर हो। हमारा आज का चर्चित किया जाने वाला अंतिम सूत्र, यदि हमारे पास दो यादृच्छिक प्रक्रियाएं एक्स टी एवं वाई टी हैं जो संयुक्त रूप से, तब जेड टी बराबर है जमा, यदि हमें यह ज्ञात करना हो तब आर जेड जेड टी बराबर है प्रत्याशा टी जमा टाओ बटे दो जमा वाई टी जमा टाओ बटे दो एक्स टी घटा टाओ बटे दो टी घटा टाओ बटे दो जमा। यह बराबर है एक्स टी जमा टाओ बटे दो एक्स टी घटा जमा वाई टी जमा टाओ बटे दो जमा टाओ बटे दो घटा टाउ बटे दो। यह बराबर है एक्स एक्स टाउ जमा आर टाउ जमा एक्स वाई टाउ जमा आर वाई एक्स टाउ। दोनों ओर फूरिये परिवर्तन लेने पर एस जेड जेड एफ बराबर है एस एक्स एक्स एफ जमा एस वाई वाई एफ जमा एस एक्स वाई एफ जमा एस वाई एक्स एफ। अब क्योंकि एस एक्स एक्स एफ एक्स एक्स वाई एफ बराबर है एस वाई एक्स एफ कॉन्जुगेट, तत्स्वरूप एस जेड जेड एफ बराबर है एस एक्स एक्स एफ जमा एस वाई वाई एफ जमा दो वास्तविक एस एक्स वाई एफ। यह एक महत्वपूर्ण सूत्र है जो हमें याद रखना होगा। इसी के साथ हमारी यह चर्चा समाप्त होती है। कल हम गौसीय यादृच्छिक प्रक्रियाओं के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।